आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में वाकई मक्का मस्जिद में इमाम साहब के साथ बदतमीजी और बदकलामी का बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। नाज़रीन, बैंगलोर शहर के नीला संदरा में वाक़े मक्का मस्जिद में एक एडमिनिस्ट्रेटर का जुमा के दिन बयान के दौरान इमाम साहब के साथ बड़ी ही बदतमीजी और बदकलामी के साथ पेश आने का अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ। लिहाजा इसी गलत वाक़े के चलते बता दिया जाए कि सराय इत्तेहाद कर्नाटका ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स मक्का मस्जिद पहुंचे और इस बात को बताते हुए अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जुमा के दिन यहां पर इमाम साहब के साथ एक एडमिनिस्ट्रेटर की जाने वाली बदतमीजी और बदकलामी की हम कड़े अंदाज में मजम्मत करते हैं। साथ ही यहां पर इन जिम्मेदारान ने कहा कि इस तरह के गलत काम और मस्जिदों के इमाम साहब के साथ इस तरह की बदसुलूकी करना गलत बात है और जहां कहीं भी जिस किसी मस्जिद में इमाम साहब के साथ ऐसे हादसात गलत हादसात पेश आएंगे उस वक्त हमेशा सदाए इत्तेहाद कर्नाटका ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ खड़ी हुई नजर आएगी। बता दिया जाए कि सदाए इत्तेहाद कर्नाटका एक ऐसा इदारा और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमेशा गलत कामों के खिलाफ खड़ा रहता है, क्योंकि उनके इदारे का अज़्म और इरादों में ये काम भी शामिल होता है कि जहां कहीं भी किसी भी मस्जिद में इमाम साहब के साथ बदतमीजी या बदसुलूकी होगी तो वहां पर ये इदारा ज़रूर खड़ा रहेगा। इसी के साथ ही यहाँ पर इस इदारे के कुछ जिम्मेदारान और अहम मेंबर्स ने कहा कि उनके मक्का मस्जिद को आने का मकसद ये है कि हम अमन एकजहती इत्तेहाद का पैगाम सभी तक पहुँचाएं। और नीला संदरा एक ऐसा इलाका है जहां पर मुसलमानों की बड़ी भारी तादाद देखी जाती है और यहां पर पाई जाने वाली मक्का मस्जिद के अच्छे कामों पर हम फख्र और खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन यहाँ मक्का मस्जिद में जुमा के दिन इमाम साहब के साथ वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर ने जो गलत कलामी बदसुलूकी और बदतमीजी के अल्फाजों को इस्तेमाल किया उससे हम सभी को बड़ी तकलीफ पहुंची है। यहाँ पर वो काम किया गया जो कि नहीं होना चाहिए था, जबकि इस मस्जिद के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती जहीर अहमद साहब और यहाँ के नौजवान हमेशा अच्छे कामों को अंजाम देने के लिए जाने और पहचाने जाते हैं, जिसके लिए तमाम उलमाए कराम उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। साथ ही यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अहम मेंबर्स ने यह भी बताया कि इस मस्जिद में बड़े ही अच्छे तरीके से मदनी दस्तरखान का भी एहतमाम किया जाता है, यानी कि बड़े ही एहतमाम के साथ नीला संदरा की मक्का मस्जिद में लंगर का इंतजाम किया जाता है जिसमें हर मजहब के लोग भरपेट खाना खाते हैं, जिसके जरिए से पूरे आलम को इत्तेहाद का पैगाम भी दिया जाता है। और साथ ही इस मस्जिद के जिम्मेदारान और यहाँ इस मोहल्ले के नौजवानों की भी तारीफ करते हुए कहा गया कि यहाँ इस मोहल्ले के बाशऊर नौजवान बच्चे जो कि नशे के आदि होते हैं उनके नशे को छुड़वाने में भी अच्छे कामों को अंजाम देने के लिए पेश रहते हैं। साथ ही यहाँ पर कहा गया कि यहाँ वक्फ बोर्ड के सिलसिले में बहुत ज्यादा बेदारी लाने की जरूरत है, क्योंकि देखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं जो कि ये नहीं जानते कि वक्फ एक दीनी मसला है, एक शरई मसला है। साथ ही वो ये भी नहीं जानते कि मस्जिदों और इमामों का कैसे एहतराम किया जाता है, जिन्हें ये पता नहीं होता कि उलमाए कराम का इमामों का क्या मुकाम होता है, मस्जिद के आदाब के मुतालिक वो कुछ भी नहीं जानते, जो कि बड़े ही अफसोस की बात है। लिहाजा ये बातें बताते हुए सराय इत्तेहाद कर्नाटका इदारे के अहम लोग और जिम्मेदारान ने यहां पर कहा और साथ ही आला अहदेदार रियासती कर्नाटका के माइनॉरिटी चेयरमैन वक्फ बोर्ड चेयरमैन बड़े बड़े जिम्मेदारान से गुजारिश और अपील की गई कि आप ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को ही अपॉइंट करें जो कि उलमाए कराम का मुकाम जानते हों, उनका दर्जा जानते हों। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट न करें जो कि उलमा के साथ बदतमीजी बदसुलूकी और बदकलामी के साथ पेश आए। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदो व मुसल्लिया नम्मा बाद। आज सदा इत्तेहाद कर्नाटका के बैनर तले कुछ सदा इत्तेहाद के हमारे जिम्मेदार हजरात की मक्का मस्जिद नील संदर में हाजिरी हुई है, जिसमें हमारे सदा इत्तेहाद कर्नाटका के बानी और फाउंडर मुजाहिद अली बाबा साहब हैं और इसी तरीके से हमारे नायब सदर बेंगलोर के सदा इत्तेहाद कर्नाटका के हमारे मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब हैं बोम्मनहल्ली से, और इसी तरीके से हमारे शहर से मुख्तलिफ इलाकों से उलमा-ए-किराम भी
तशरीफ लाए हैं, जिनमें मागड़ी रोड से जामिया मस्जिद के सेक्रेटरी हजरत मौलाना यूसुफ साहब कासमी दामद बरकातुहुम, टैंक गार्डन से हजरत मौलाना जबीउल्लाह साहब कासमी दामद बरकातुहुम, और इसी तरीके से रामचंद्रपुरम से हजरत मौलाना मुफ्ती मंसूर साहब कासमी दामद बरकातुहुम, और इसी तरीके से हमारे सदा इत्तेहाद के मजलिस शूरा के बड़े अहम रुकन मुतहरिक फ़ाल नौजवान हमारे जनाब आरिफ पाशा साहब भी शिरकत करते हैं। हमारी हाजिरी का मकसद ये है कि हमें जुमा के दिन पेश आने वाले वाकये के सिलसिले में मालूम हुआ, मक्का मस्जिद के अंदर किसी एडमिनिस्ट्रेटर की बदतमीज़ी की वजह से और उनकी बदकलामी की वजह से हमें ये इलम और हमें ये रिपोर्ट पहुंची और सोशल मीडिया के थ्रू हमें मालूम हुआ, तो मैंने हमारे सदा इत्तेहाद के ज़िम्मेदारों से बात रखी तो फौरन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुजाहिद अली बाबा हरकत में आए और उन्होंने ये बात कही कि हमारे सदा इत्तेहाद के मैनिफेस्टो में, हमारे अज़ाइम और इरादे में एक काम ये भी है कि जहाँ कहीं भी किसी मस्जिद में किसी इमाम के साथ बदतमीजी बदसलूकी होगी वहाँ हमारी सदा इत्तेहाद की टीम खड़ी नजर आएगी इंशाल्लाह। तो उसी मकसद के तहत और उसी अजम और इरादे के तहत हम लोग यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इजहार यकजहती, अमन का पैगाम, इत्तेहाद का पैगाम लेकर आप तमाम के बीच में आए हुए हैं। नीलसंदर एक ऐसा इलाका है कि जहां पर मुसलमानों की एक बड़ी माशाल्लाह तादाद यहां पर आबाद है, और नीलसंदर में बिलखसूस मक्का मस्जिद के कामों को देखकर हमें बड़ी खुशी भी होती है, और उन कामों की सरपरस्ती एक नौजवान आलिम दीन मुतहरिक फ़ाल जिनका माशाल्लाह पूरे मुल्क में एक अच्छा नाम है और इल्मी हलकों में एक उनकी पहचान है, मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती ज़हीर अहमद साहब कासमी दामद बरकातुहुम हैं, और मैं इनकी तारीफ मुंह पर नहीं करता बल्कि उलमा की एक बहुत बड़ी जमात है जो हजरत मुफ्ती ज़हीर साहब और यहाँ के जो नौजवान हजरात हैं उनके कामों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। सबसे बड़ा काम तो यहाँ पर मदनी दस्तरखान का चल रहा है, एक लंगर खाना माशाल्लाह यहाँ पर मक्का मस्जिद नीलसंदर में चलाया जा रहा है, और उम्मत के अंदर एक इत्तेहाद का पैगाम माशाल्लाह यहाँ से दिया जा रहा है। कितना अजीम काम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब मदनी दस्तरखान, कितना प्यारा नाम उसका रखा गया है जिसमें सभी जातियों के लोग बिला तफरीक मसलकों मजहब लोग आते हैं, खाते हैं और बहुत दुआएं भी देते हैं, उसका चर्चा हम हर जानिब सुन रहे हैं माशाल्लाह। और उसके अलावा हम ये भी सुनते हैं नीलसंदर के अंदर के यहाँ पर जो नौजवान बच्चे नशे की लत में जा रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए भी मुफ्ती ज़हीर साहब और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, और उसके अलावा माशाल्लाह मुफ्ती साहब के बारे में मैं क्या बताऊं कि एक चीज़ बहुत कम ऐसे उलमा और ऐसे अइम्मा और खुतबा होते हैं कि जो सिर्फ मस्जिद के हद तलक रहकर काम नहीं करते बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद से बाहर निकल कर अवाम के बीच में रहकर काम करते हैं, सिर्फ वलील मस्जिदी की वलील मस्जिदी इमामा के तहत काम नहीं कर रहे हैं बल्कि वलील नासी इमामा के तहत काम कर रहे हैं, आप लोगों के इमाम बनकर काम कर रहे हैं। लेकिन हमें बड़ा अफसोस होता है कि जब ऐसे उलमा के साथ कोई बदतमीजी होती है, बदकलामी होती है, बदसलूकी होती है, ये क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि लोगों को उलमा का मकाम मालूम नहीं है। अब एक तो पूरे मुल्क के अंदर औकाफी इमलाक को लेकर एक बड़ी जद्दोजहद चल रही है, उलमा बड़ी बड़ी जमातें तंजीमें, और मैं आपको बताता हूं कि कर्नाटका के अंदर हमारे मुजाहिद अली बाबा और सदा इत्तेहाद प्लेटफॉर्म के तहत वक्फ बोर्ड के सिलसिले में बहुत ज्यादा बेदारी लाने की कोशिश की गई है, वहां चल रहे मसाइल को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस
عوام کے درمیان میں صدا اتحاد کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہم لوگوں نے کریٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ ملک بھر میں بڑی بڑی جماعتیں ماشاءاللہ آل انڈیا مسلم پسلا بورڈ بھی ایک تو اوقافی املاک کے تحفظات کے سلسلے میں کتنی محنت کر رہے ہیں, اوقاف کے جائیداد کو بچانے کی کتنی محنت ہو رہی ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی وقف بورڈ کے اندر ایسے ایڈمنسٹریٹرز موجود ہیں کہ جو نہیں جانتے کہ وقف ایک دینی مسئلہ ہے, ایک شرعی مسئلہ ہے, اور پھر وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ مساجد کا ادب اور احترام کیسے کرنا ہے, کیسے کیسے لوگوں کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں کہ جن کو علماء کا مقام معلوم نہیں, مسجد کے آداب کے بارے میں معلوم نہیں ہے, یہ بڑے ہی جو ہے نا افسوس کا مقام ہے. تو میں اوقافی اعلی عہدیداروں سے اور بالخصوص ریاست کرناٹک کے جو مائنورٹی کے چیئرمین ہیں, وقف بورڈ کے جو چیئرمین ہیں, جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسے ایڈمنسٹریٹرز کو اپائن کریں جو علماء کے مقام کو جانے, علماء کی بدتمیزی نہ کریں, علماء کے ساتھ جو ہے نا بدسلوکی نہ کریں, بدگوئی نہ کریں. جیسے کسی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسکراپ کے کارخانے میں یا کسی جو ہے نا ٹھیلے کی دکان میں یا کسی پنچر شاپ میں گالیاں دے کر جیسے کسی کو بلایا جاتا ہے, دو کپ چائے لاؤ, دو کپ بڑے لاؤ, دو بھونڈے لاؤ, اس طرح سے جو ہے نا علماء کے ساتھ آپ اگر جو ہے نا کلام کریں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے, ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے. تو اس لیے اس ایڈمنسٹریٹر کے بارے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وقف بورڈ کے چیئرمین سے, وقف بورڈ کے جو مائنورٹیز کے جو ذمہ دار ہیں, اعلی عہدے پر جو لوگ فائز ہیں, وہ ایسے لوگوں کو اپائنٹ کریں جو ان کے مقام کو جانے پہچانے. کوئی بھی آدمی ڈاکٹر بنتا ہے تو باقاعدہ امتحان دے کر پاس ہوتا ہے, لائر بنتا ہے امتحان دے کر پاس ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسے ہی ڈگری حاصل نہیں کر لیتا, بڑی محنت کرنے کے بعد جو ہے نا اسے ڈگری ملتی ہے, اور پھر باقاعدہ ڈگری لینے کے بعد اگر وہ اپنے کسی ڈگری کے تحت اپنے وہ سبجیکٹ کے تحت نوکری کے لیے جاتا ہے تو وہاں بھی اسے امتحان دینا پڑتا ہے. تو آپ باقاعدہ امتحان لیں کہ یہ عالم کی قدر جانتا ہے نہیں جانتا ہے, یا عالم کے مقام کو یہ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں, ایسے لوگوں کو آپ جو ہے نا اپائنٹ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیلسن کے اندر کچھ لوگ مسلمانوں کے درمیان میں خام خواہ کا ٹینشن کریٹ کر رہے ہیں, شرارتیں کر رہے ہیں, اور یہاں کے مسلمانوں کے درمیان میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بھی درست کام نہیں ہے, یہ بھی اچھا کام نہیں ہے. دیکھیے اختلافات سے کیا ہوتا ہے, امت کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے, اختلافات سے کیا ہوتا ہے, امت کے اندر لڑائیاں جھگڑے فسادات پیدا ہوتے ہیں. اختلافات کیا ہے, ایک ذلت کا سبب ہے, ایک موت کا سبب ہے. اختلافات جو ہے نا وہ قوم کی کمزوری کی ایک علامت ہے, جبکہ اتحاد کا ہمیں درس دینا چاہیے, ہمیں لوگوں کے درمیان میں اتحاد کو عام کرنا چاہیے. اتحاد میں عزت ہے, اتحاد میں طاقت ہے, اتحاد میں ماشاءاللہ قوم کی بلندی ہے اور قوم کی کامیابی ہے اور کامرانی ہے اتحاد کے اندر. وہ چھوڑ کر خامخواہ جو ہے نا مساجد کے اوپر نظریں جمانا اور ائمہ پر جو ہے نا وہ خامخواہ ائمہ کو ٹینشن دینا, خطبہ کو ٹینشن دینا, اور خطبہ اور ائمہ کے ساتھ بدسلوکی کرنا, بد کلامی کرنا, یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی بھی امام کے ساتھ, صرف مفتی صاحب کے ساتھ نہیں, کسی بھی کہیں بھی کسی بھی مسلک کے امام کے ساتھ بھی اگر کوئی بدتمیزی ہوگی تو انشاءاللہ صدا اتحاد کو آپ وہاں کھڑا پائیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات میں آخر میں ایک بات بول کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ یہ مسئلہ صرف مفتی ظہیر صاحب کا نہیں ہے, ہمارے ائمہ اتنے صبر والے ہوتے ہیں, ہمارے خطبہ اتنے صبر والے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر علماء کی ناقدری ہوگی اور اگر علماء کے ساتھ بدتمیزی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر جو ہے نا عذاب کو مسلط کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ علاقے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو ایسے جو لوگ ہیں شرارت کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے جو ہے نا دوسرے لوگوں کو بھی بچائیں اور اپنے امام کا تحفظ بھی کریں. تو میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ حضرات نے حضرت مفتی ظہیر صاحب
का पहले ही से तहफ्फुज का जो काम था वो किया और फिर हमें मालूम हुआ हम आए हैं, जो भी इंशाल्लाह हमारे से बंद पड़ेगा हम लोग वो करने की कोशिश करेंगे। और किसी भी इमाम के साथ हम लोग जो है ना वो नाइंसाफी होने नहीं देंगे। और मैं मीडिया से गुजारिश करता हूं कि ये बात आप जो है ना बोर्ड के जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए हमारा तआवुन फरमाए। जज़ाकअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बहुत अफसोस की बात, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं नीसंदर के अंदर जो मक्का मस्जिद है, इस मस्जिद के अंदर जो हादसा पेश हुए उससे बहुत अफसोस हुआ कि मसाजिद के किस जिम्मेदार होते हैं, वो जिम्मेदारों का भी एक काम बनता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन एडमिनिस्ट्रेटर था, क्या मायने तो हुए, जिस तरह से धक्का मुक्की हुए, इसे एक हंसी मजाक गैरों में बात चले जा चुकी है। अब सारे खेल के पीछे मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन करवाना था, इससे पहले अकबरी मस्जिद का हुआ, फिर ये मस्जिद का नाम आया, फिर कोई दूसरी मस्जिद है ईशा और कोई और मस्जिद है कुबरा, सारे मसाजिदों का नाम आया, सबके ऊपर एक्शन की बात हो रही है। जो यहाँ हमारे आपस में एक दूसरे भाई भाई को जो लड़वा रहे, फयाज गैर नहीं, फयाज भी हमारा है, मोहल्ले का हर बच्चा हमारा है, हम दूसरों की बातों में आए बगैर हम एक होकर के उनका मुकाबला क्यों नहीं कर रहे? हमें तो यह सोचना चाहिए ना, यह हमारा मोहल्ला है, हमारी मस्जिद है, हम यहां के जिम्मे, हमें क्या मतलब है कि जाकर के दूसरों के पास अपना हाथ फैलाए? क्या हमारे में इतनी समझ नहीं है, इतनी दूरअंदेशी नहीं है हमारे में कि हम फैसला कर ले आपस में? अरे भाई, हमारी कौम भोले भाली है, जज्बाती है, उसे जो बात दो बातें अच्छी समझ में आती है तो बहक जाती है, यह हमारी कौम की कमजोरी। अब ये देखो, आलिम के ऊपर जाहिलों की हुकूमत। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं, काबे इमाम के सिर्फ नमाज के वक्त नियत, जैसे नमाज का वक्त खत्म होता है इमाम ताबे हो जाता है कमेटियों के, ये कौन सी जहालत है? मेहराब मिंबर नबी पाक जो खड़े थे वो नसीब हुआ सिर्फ उलमा को, इसलिए से वारिस अंबिया है। अब उनकी ये तौहीन, अब जहालत इस कदर, ये सारी बातें में तुम्हें नौजवानों को सोचना है, एक इल्म रखने वाले का मुकाम क्या है, मेरा भी मंबर पर खड़ने वाले का मुकाम क्या है, ये कमेटी जो बन के बैठी इनका क्या मुकाम है, इनकी क्या हैसियत है, इनकी क्या हैसियत, देखो पहले इसे बंद होना चाहिए। इतनी आजीजाना मोहल्ले से गुजारिश है, बहकाओ में मत आओ, हमें सब आपस में भाया गया, भाया की सरकार में सब रहेंगे, हमने किसी से कोई गिला नहीं है, हमारे में हमें सब एक। हाँ, रही बाहर की जो सियासी चाल है उसे हमें समझ को हमें सब मिलकर उसका मुकाबला करना है। बस यह बात बोलते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का मस्जिद नीलसंदर की सूरत हाल देखकर और सुनकर बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं और जहाँ पर सारे मुसलमान मुत्तहिद होकर औकाफ की फिक्र कर रहे हैं, ऐसे मौके पर कर्नाटक में और बेंगलुरु के एक मरकज़ी मस्जिद में इस तरह का मामला पेश आना बहुत ही अफसोस की बात है। अब हम गैरों से मुकाबला कर रहे हैं मुल्क में, अब यहाँ अपने लोग भी फितना खड़ा कर रहे हैं। वफ़ की बहुत सारी जायदादें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, उसकी हिफाजत की फिक्र नहीं है, और जहां पर अच्छी आमदनी हो रही है और जहां पर एक बेस बन चुका है, काम अच्छा चल रहा है, वहां पर लाकर इस तरह के मामलात खड़ा करना, इससे एक बात समझ में आती है कि इनके पीछे एक बहुत बड़ी जमात काम कर रही है। इसलिए अल्लाह से डरते हुए
ملک کے حالات کو سمجھتے ہوئے، لوگوں کی عوام کی ذہنیت کو سمجھتے ہوئے الیکشن جلد کرانے کی فکر کریں۔ دیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ساری لسٹ لگی ہوئی ہے اور سارا کام جو ہے جلد ہو سکتا ہے۔ سارے محلے کی عوام ایک ہے کہ الیکشن جلد ہو، اور دو آدمیوں کی بات ہے اور اسے لائر کو رکھ کر جو ہے الیکشن دیر کرایا جا رہا ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں کچھ اور فتنہ و فساد اور محلے کے مسائل کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمارے صوبے کے وزیر جو اوقاف ہیں، قسم بھی کھائی ہے انہوں نے کہ ہم جو ہیں وف کا ایک پیسہ جو ہے کسی کو کھانے نہیں دیں گے، تو انہیں چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں جہاں پر علماء کے ساتھ ایسے لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو وزیر اوقاف کی ذمہ داری اور مسلم سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی پکڑ کریں، اس سے محلے میں انتشار ہوگا، ملک میں انتشار ہوگا۔ اس لیے تمام بنگلور شہر کی عوام سے اور خصوصاً نیل سندر کی عوام سے اپیل ہے، اور صدائے اتحاد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مسلک کی جماعت ہو، صدائے اتحاد جو ہے اس میں دیوبندی مکتب فکر ہیں، بریلی مکتب فکر ہیں، شیعہ ہیں، سارے مکاتب فکر متحد ہیں کہ اگر ائمہ پر اور مساجد پر غلط حملے کیے جائیں، ہم صدائے اتحاد ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنے فساد سے ہمارے ملک کی، شہر کی، ہمارے صوبے کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔